बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो क्या हाल है आप सबका? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। मैं हूँ आपका अपना होस्ट जुनैद मुगल, हाज़िर हो गया हूँ आपकी खिदमत में आज एक और व्लॉग लेकर। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आप लोग को एक बात बताता हूँ कि कल जो व्लॉग मैंने बनाया था ना, तो मैं जो भी व्लॉग बनाता हूँ ना, मेरी आदत है रात को मेरे इंटरनेट जितना यूज़ करना होता है कर लेता हूँ, क्योंकि जब अपलोडिंग पे वीडियो लगा दो फिर नेट बहुत स्लो हो जाता है। तो मैंने नेट जितना यूज़ करना था रात को तकरीबन 12 बजे तक यूज़ किया है। तो दोस्तों, मैंने एलर्जी से बचने के लिए पेरिटोन की गोली खाई हुई थी, उसमें इतना तेज़ नशा था कि आपके भाई को याद था वीडियो अपलोडिंग पे लगानी है, लेकिन एकदम निंदियापुर में ऐसे पहुंच गया कि मुझे याद ही नहीं रहा ना। तो दोस्तों, अभी तक वो फिर व्लॉग नहीं अपलोड हुआ था। फिर सुबह उठ के मैंने लगाया, तो वो आई थिंक अभी 905 MB का, तो अभी 500 MB का हो गया अपलोड ना। तो अभी वो लगा हुआ है अपलोडिंग पे, तो मैं नाश्ता कार में बांध रहा, तो मैंने सोचा तब तक मैं बाहर आ जाऊँ, ज़रा थोड़े नज़ारे लेता हूँ। फिर दोस्तों, नाश्ता करके ना, तो आज के व्लॉग के लिए कैमरे से थोड़े सिनेमैटिक फुटेज भी बनानी है ना, तो फिर वो भी बनाएंगे अभी इंशाल्लाह। तो बनिए रहिए हमारे साथ, मिलते हैं आप लोगों से। वो देखो दोस्तों, साई ने 2-3 बच्चे इकट्ठे करके वॉलीबॉल खेलने में लगा हुआ है। वो पता नहीं वॉलीबॉल ये नए वाला पुराने वाला कौन सा है, एक वॉलीबॉल है इनके पास, आई थिंक पुराने वाला है ये, नए वाला तो अभी लड़कों के पास पड़ा होगा ना, वो दोपहर को ही आएगा। तो बहुत ही प्यारा मौसम है दोस्तों, हवा चल रही है, तो तबीयत दोस्तों बहुत ज़्यादा ख़राब है। एलर्जी ने हाल बेहाल किया हुआ है, हाल बेहाल किया हुआ है दोस्तों एलर्जी ने। तो फिर मिलते हैं दोस्तों, आप लोगों से मुलाकात होती है, ठीक है। आज जुम्मा भी है दोस्तों, जुम्मा भी पढ़ना है, और जुम्मे के दिन तो जुम्मे से बड़ा कोई काम नहीं होता, जैसे कि मैंने अपने पिछले जुम्मे वाले व्लॉग में आप लोग को बताया था। तो वहाँ पर रबीर कभी बैठे अपने बांजों के साथ, और बस ऐसी कुछ दिन की बसर हो रही है। और साई ने आज जाना है दोस्तों अपने सिंध के इलाके में वापस। अभी मैं इसलिए याद कर रहा हूं दोस्तों, आज साई ने वापस जाना है दोस्तों सिंध। अब पता नहीं जुम्मा पढ़ के जाएगा, जुम्मे से पहले जाएगा, लेकिन आज इसकी वापसी है। क्या तो रहा है, काफ़ी दिनों से लगा हुआ है, लेकिन आज लगते चला जाना है। दोस्तों, साई को मैंने इन्फॉर्म कर दिया, उसको मैंने बता दिया है कि तैयार रहो, मैं नाश्ता करके आता हूँ, फिर आज कैमरा निकाल के थोड़ी सिनेमैटिक फुटेज बनानी है। बंदा खुश हो गया, कहता है चलो ठीक है यार। मैंने कहा ना, ये देखो दोस्तों कितना प्यारा प्लाट किसी ने अपने लिए सजाया हुआ है, किसी ने तो नहीं, हमारे पड़ोसी ने सजाया हुआ है। तो दोस्तों, फिर मैं नाश्ता करके आप लोगों से बाहर ही मुलाकात करता हूँ, विद कैमरा और विदाउट कैमरा, देखते हैं ना क्या हालात बनते हैं, ठीक है। दोस्तों, अभी फोटो खैर अंकल, फोटेज बनाने का प्लान कैंसिल हो गया, क्योंकि पापा घर आए हैं, तो वो कह रहे हैं कि मैंने एक दोस्त से बात किया, वो तुम्हारा ड्राइविंग लाइसेंस बनवा सकता है लाइसेंस, तो तुम जल्दी से जो भी नखरे करने हैं कर लो, और फटाफट हम सुबह भी जा रहे हैं, और आज जुम्मा भी है। अब कह रहे हैं जल्दी जल्दी जाते हैं और लर्निंग चीट लेकर आ जाते हैं, तो ड्राइविंग लाइसेंस की कार्रवाई शुरू हो चुकी है दोस्तों। तो बस अब कुछ देर में हम निकलने लगे हैं स्वाबी के लिए, जूतियाँ आपके भाई ने पहन ली हैं, तो बस यही सिंपल सा होता है, ढूंढता हूँ एक मास्क अगर मिल जाए, मास्क भी पहन लेता हूँ, क्योंकि एलर्जी रास्ते में बहुत ज़्यादा है ना, तो बस फिर निकलते हैं। हाँ दोस्तों, वो रही बात व्लॉग की कल वाले, तो दोस्तों अभी तक अपलोडिंग पे लगा हुआ है, अभी तक वो 700 MB हो गया, अभी भी 200 MB रहता है, तो मैंने कहा कि अभी टाइम नहीं है, तो आके उसको पब्लिश कर लूँगा, तो इंशाल्लाह उसको यहाँ तो जुमे की नमाज़ से पहले, जुमे की नमाज़ के बाद उसको पब्लिश कर लेंगे। तो अभी बस बाइक निकालते हैं और निकलते हैं। ये ड्राइविंग लाइसेंस के लिए शिनाख्ती कार्ड और इसकी दो कापियों की ज़रूरत थी, तो ये भी हमने रख ली है, क्योंकि इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। तो अब बाइक निकालता हूँ और निकलते हैं, ठीक है ना। हालत बहुत ही ख़राब है दोस्तों, आज जुम्मे आके ना आऊँगा इंशाल्लाह। ये देखो यार, ठीक है। वैसे तो दोस्तों हम बाइक के इंजन गर्म करने वाले नखरे नहीं करते, बस स्टार्ट किए और इस बेचारी को हम ले जाते हैं, लेकिन आज मैं सोच रहा हूँ, एक सेकेंड, स्टार्ट हो गया, मैंने सोचा इसको ज़रा रेस दे के इसका इंजन ज़रा सही कर लेते। चलो दोस्तों,
अबू आ गए हैं और हम निकलते हैं, ठीक है ना स्वामी के लिए। तो बाइक तो बब्बू चलाएंगे, मैं पीछे बैठूंगा। आज हम बनाएंगे की तरफ हमारा पहला कदम आज बढ़ रहा है। आज लंच से हम ले जा रहे हैं, फिर इंशाल्लाह 6 बजे के बाद हमें जाना है लंच से आना पड़ेगा। तो लंच चेक मिल जाए अभी किसी का, बस ट्रैफिक पुलिस वाले से बचा ही देता है। तो मेन मकसद यही होता है कि चलान ना हो। तो आज बस जा रहे हैं बनाने के लिए। फिर आज जुम्मा भी है दोस्तों, जुम्मा पढ़ना है। जुम्मे वाले दिन जो है ना दोस्तों, सबसे ज़्यादा टेंशन यही होनी चाहिए कि जुम्मा नहीं मिस होना चाहिए। तो अभी हमें भी यही टेंशन है कि हमारा काम भी हो जाए और जुम्मा भी ना मिस हो। बस इसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए हम लोग सफ़र कर रहे हैं, आगे देखते हैं क्या बनता है। चिट हमें दोस्तों मिल गई है, 45 दिन बाद टोकन मिलेगी, फिर 45 दिन बाद हमें लाइसेंस मिल जाएगा। दोस्तों वापसी हमारी हो चुकी है, तो अभी टोपी बाजार में खड़े हैं यहाँ से मेडिकल स्टोर से। वो पैनाडोल का एक पत्ता लेना था, पापा वो ले रहे हैं, तो मैं इधर बाइक चला रहा था। तो अभी दोस्तों जुम्मे का टाइम, बहुत नज़दीक है, घर जाना है, नहाना है और जुम्मा पढ़ना है। बाकी दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह जिस काम के लिए गए थे वो काम हमारा हो गया है। चलें अब जाते हैं घर, फिर आपसे बात करते हैं। दोस्तों जुमे का दिन था जैसा कि आपको बताया था, तो अल्हम्दुलिल्लाह नमाज की तैयारी मैंने कर ली है। तो बस अब जुमे की नमाज के लिए निकलने लगा हूँ। और दोस्तों व्लॉग जो था कल वाला वो पब्लिश हो गया, अपलोड हो गया, पब्लिश हो गया। अब बस फेसबुक पे अपलोड हो रहा है वो, तो बस माइनर सा काम है, हो जाएगा बहुत जल्दी। तो दोस्तों फिर अभी जुम्मा पढ़ने जाता हूँ, बस पापा नहा रहे हैं वो निकल जाए, तो पीछे हमारी बाइक खड़ी है, तो जुम्मा पढ़ने जाना है दोस्तों। फिर जुम्मा पढ़ के आके गप लगाते हैं आप लोगों के साथ, ठीक है ना। तो बाकी दोस्तों जो हमारा वो था काम लर्निंग चिट वाला हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह लर्निंग चिट मिल गई। अब 45 दिनों बाद जाएंगे, फिर टेस्ट होगा, पता नहीं क्या कहते हैं, टोकन मिलेगी। फिर पहले वो पता नहीं ड्राइविंग का शायद टेस्ट लेंगे, फिर टोकन मिलेगी,
टोकन मिलने के 45 दिन बाद जो है ना लाइसेंस हैंड ओवर हो जाएगा मुझे। तो अच्छा था यार वो सीन सारा। तो बाकी दोस्तों उधर दफ्तर के अंदर की मैं वीडियो नहीं बना सका क्योंकि उधर वो सरकारी एरिया था, वहाँ पे किसी बंदे के साथ और कोई भी सरकारी एरिया की वीडियो बनाना अलाउ नहीं थी, इसलिए मैंने बेहतर नहीं समझा, मैंने कहा ऐसी कोई मसला ना बन जाए, इसलिए आपके भाई ने वीडियो नहीं बनाई। तो बाकी जो है दोस्तों अब बस कुछ देर में जुम्मा पढ़ने जाना है और काला सूट आपके भाई ने पहन लिया, टोपी शोपी पहन लिया, नहा लिया दोस्तों, फिर मिल करता हूँ आप लोगों से बात, ठीक है ना। और दोस्तों ये चाबियाँ मैं ले आया हूँ बाइक की, तो इसको करते हैं दोस्तों रिवर्स करते हैं, पापा बस आ रहे हैं फिर जाते हैं जुम्मा पढ़ने, ठीक है ना दोस्तों। आज जा भाई रिवर्स। दोस्तों काफ़ी कामयाब हुआ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। जब आप इतने लंबे सफ़र पे किसी खास काम के लिए जा रहा हो ना, तो एक तो सफ़र की एक वो होती है डस्ट वगैरह, एक बंदे को ये टेंशन होती है कि पता नहीं जिस काम के लिए जा रहे हैं वो होगा या नहीं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम जिस काम के लिए गए थे दोस्तों वो काम हमारा हो गया, तो पापा आ गए दोस्तों, बस अब जाते हैं जुम्मा पढ़ने, फिर आप लोगों से बात करते हैं, ठीक है ना। दोस्तों मस्जिद पहुंच गया हूं मैं। दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह सही टाइम पे हम मस्जिद पहुंच चुके हैं और ये ज़्यादा लोग अंदर है, बाहर काम नहीं है और वज़ू वाली जगह पे कोई नहीं है, मैंने सोचा यहाँ पे आके वीडियो बना लें, ये सारा एरिया माशाल्लाह। तो दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जुम्मा हमने पढ़ा, मामे क्या हाल है। हाँ जी, तो दोस्तों जुम्मा हमने पढ़ लिया है, पीछे देख सकते हैं सारे नमाजी माशाल्लाह बाहर निकल आए हैं। तो अब दोस्तों आज पापा मेरे ख्याल से जल्दी में बाइक पे निकल आए, बाइक क्योंकि गायब है हमारी, तो मैं पैदल जा रहा हूँ दोस्तों घर की तरफ। और आज कोई दोस्त भी नज़र नहीं आया, पता नहीं आए नहीं है, चले गए हैं, क्या सिस्टम है नहीं समझ आ रही। तो बहरहाल जुम्मा हमने पढ़ लिया दोस्तों, अब जाएँगे घर, फिर देखते हैं आगे क्या करना है। अब मैं दोस्तों सोच रहा हूँ कि ब्लॉग तो पब्लिक हो गया ना हमारा यूट्यूब पे, तो फेसबुक पे उसको पहले पब्लिश करके फिर जो है आज का ब्लॉग जो तैयार हो रहा है ना, इसके जितने भी तक वीडियोस तैयार होगी कंप्यूटर में डाल देता हूँ, क्योंकि वो हौसला सेक हो जाता है ना, क्योंकि एडिटिंग तो हमने ब्लॉग की कंप्यूटर में ही करनी होती है, फिर कैमरा पकड़ के ना सिनेमैटिक फुटेज थोड़े लेते हैं ब्लॉग के लिए ना, उससे ज़रा ब्लॉग के शश के नज़ारे बन जाते हैं। तो खैर फिर देखते हैं क्या करना है, अब तक के लिए इतना ही, बनिए रहिए हमारे साथ। तो दोस्तों इधर एक काम था, इधर एक घर में काम था, काम क्या था सर, मैं अम्मी को उधर उतारना था ना कोई ख़त्म वगैरह, तो उधर उतार दिया है और अभी अपने 70 के शश के लेते हुए मैं घर जा रहा हूँ दोस्तों। तो दोस्तों अभी मैं 70 पे शिफ्ट कर चुका हूँ, ऐसे से मेरी सारी वीडियो मोबाइल कंप्यूटर में ट्रांसफ़र करनी है, और इधर से इस मोबाइल में भी सुबह एक दो सीन शूट किए थे वो सारे भी कंप्यूटर में ट्रांसफ़र कर दिए, और यूट्यूब फेसबुक दोनों पर पब्लिश कर दिए। और अब जो है ना घर जाके खाना खाऊंगा, खाना खाने के बाद कैमरा देख कर सिनेमैटिक फुटेज देंगे, ठीक है ना। बस दोस्तों अपने शिकरे को हमने यहाँ पे पार्क कर दिया है, और दोस्तों ये देखो दोस्तों ये पर्दा इधर है ना, ये तरपाल सा, इसके हिलने से आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हो कितनी खूबसूरत हवा चल रही है दोस्तों। और जुम्मा पढ़ लिया दोस्तों अल्लाह के फजल करम से, और जुम्मा पढ़ने के बाद जो है ना दोस्तों इनर सेटिस्फेक्शन जो मिलती है ना, कोई भी नमाज़ पढ़ो लेकिन जुम्मे की मिसाल ईद की सी है। तो ये टायर भाई है दोस्त है ये भी, तो अब दोस्तों मैं जाता हूँ खाना खाता हूँ, फिर उसके बाद आप लोगों से बात होती है, ठीक है भाई। आज दोस्तों दवाई खाई है तो काफ़ी तबीयत बेहतर है मेरी, बहुत बेहतर है अल्हम्दुलिल्लाह, कल तो जान के लाले ही पड़ गए थे। घर आया हूँ तो सिनेमैटिक फुटेज आपका भाई लेने में मसरूफ़ था, एक कैमरा मेरे पास था और कोई 15-20 मिनट लगाए हैं, और कुछ क्लिप्स हमने रिकॉर्ड कर ली हैं, तो आप लोगों को व्लॉग के दौरान वक्तन फ़क्तन वो फुटेज नज़र आते रहेंगे, वो उससे ज़रा व्लॉग की ज़रा शान बढ़ जाती है ना दोस्तों। तो ये कैमरा मैंने सोचा कब काम आएगा, तो इस तरह ही मैंने सोचा इससे थोड़े फुटेज लिया करूँगा और वीडियो में डाला करूँगा ना। तो
अब तक के लिए बस यही अपडेट दोस्तों। अभी मैं निकल आया हूँ बाहर और अभी जाता हूँ वॉलीबॉल खेलने। वॉलीबॉल खेलेंगे अभी हम। और वैसे तो अब गर्मियाँ हो गई हैं, अब धूप की शिद्दत काफ़ी बढ़ गई है दोस्तों, पसीना काफ़ी आता है, लेकिन क्या करें, सब दोस्त खेल रहे हैं तो फिर हम भी खेलेंगे। मुश्तबा क्या हाल है यार? शुक्र है यार, अल्हम्दुलिल्लाह। जुमा पढ़े? आओ ना, आज वॉलीबॉल नहीं खेला? आज मौसम गर्म है ना, गर्मी अभी आहिस्ता आहिस्ता रुच पे आ रही है, मज़ा नहीं करते। चलो सही है। हाँ ए किधर बोतल आ रहा है? दोस्तों हमारा जो नबील भाई है बोतल का मैच हार चुके हैं, अभी घर जा रहे हैं पैसे लेने, बोतल पिलाएगा सबको। तो बैठे हुए हैं वो, देखो सारे लड़के मैच हार के, कुछ जीतने कुछ हारे हैं, बैठे हुए हैं उधर, और नबील भाई बोतल हार गए हैं। आओ आतुफ, ये सीनियर वॉलीबॉल प्लेयर गए, काफ़ी अच्छा वॉलीबॉल खेलता है, इसका कद भी है, डोले शोले भी हैं, तो इसीलिए गेम इसकी अच्छी है दोस्तों। अभी एक और हीरो बैठा हुआ है सड़क के, ये देखो दोस्तों बिल्कुल सड़क के सेंटर में बैठा है, जैसे इसकी जाती सड़क हो। हाँ सिंह है नेमत खाना भैया। देखो दोस्तों इससे उस दिन भी मुलाकात इसी जगह पे हुई थी, आज भी मुलाकात इसी जगह पर हुई है। मैंने कहना था ये इसका आस्थान है, कासिम भाई पटवार। हाँ ये अभी कासिम शाह बुला रहे, और शवे जुनेद आवास की तरफ कासिम शाह बुला रहे। इब्राहिम सिंह यार, शियान हाउ आर यू दोस्त? इस बंदे को बहुत काली है, इसने कोई बात करनी है, मुझे पता है इसने क्या बात करनी है, लेकिन चलो वीडियो के बाद ही बात करते हैं। दोस्तों नबील जो भी मैच हारा था उसने 50 रुपये दिए, और 50 पता नहीं किसी और बंदे ने दिए, और बोतल आई है। अब ये सब बंदे जो टीम के बंदे हैं लोग बोतल पी रहे हैं इधर बैठ के, और उधर कुछ बच्चे वो खेल रहे हैं, अभी भी वॉलीबॉल प्रैक्टिस कर रहे हैं, और बहुत ही अच्छा माहौल है दोस्तों। ये कासिम शाह बैठा हुआ है बोतल पी रहा है। कि आ रहे हो कि जीते हो? जीते हो, जीते, ये जीतने वाली टीम का बंद है, ये जीत के पी रहे हैं, कुछ लोग हार के पी रहे हैं, कुछ लोग जीत के पी रहे हैं। चलिए दोस्तों फिर आप लोगों से कुछ देर बाद बात होती है। अभी बोतल पी ली है, हम सब ने बोतल पी ली अल्हम्दुलिल्लाह, कोई भी नहीं बचा। वह तुमने पिया सवेला? इसने नहीं पी दोस्तों, और सब ने पी ली है, सब बच्चों ने भी पी ली है, ये मुझे याद नहीं रहा। बाकी जो है अभी हम मैच पर खेलने लगे, अभी पता नहीं फिर किस किस की बोतल लग चुकी है, और ग्राउंड में आए हुए हैं या उबकर हैं। और फिर दोस्तों अभी बस शुरू करते हैं मैच, मैं उस टीम में हूँ। शाहान किस टीम में? हाँ शाहान, मैं किस टीम में? उस बस सही है, उस तरफ हूँ दोस्तों, हमारी टीम उस तरफ है। मैं अभी मोबाइल दोस्तों टाइम लैप्स पे लगाने लगा हूँ, और हम खेलने लगे हैं मैच। अपनी तारीफ नहीं करो कि हम जीते दोस्तों। हमने वॉलीबॉल का मैच लगाया था, और हमारी टीम ने किया 18 पॉइंट, और ये जो मेरे साथ बंदा बैठा है मेरा पड़ोसी, इनकी टीम ने 20 कर लिए, तो ये लोग जीत गए। और अभी हम लोग बैठे हुए हैं, काफ़ी गर्मी धूप गर्म थी ना, तो काफ़ी पसीना आया हुआ है, इसको भी सांस चढ़ा हुआ है, और मेरी भी तबीयत मतलब गर्मी है। तो अभी वो लोग कुछ लोग हाथ धो रहे हैं, कुछ इधर बैठे हैं, कुछ लड़के हम इधर बैठे हुए हैं, गर्मी काफ़ी है दोस्तों। तो बस यही बता रहा था, बाद में आप लोगों से बात करता हूँ।
दोस्तों, इस वक्त रात के तकरीबन बज रहे हैं 9:40, टाइम आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो। तो दोस्तों, फिर उसके बाद शाम के बाद से व्लॉगिंग का टाइम ही नहीं मिला दोस्तों, तो मैं फिर सो गया था और फिर उठा, खाना शाना खाया, तो मैंने कहा यार व्लॉग भी एडिट करना है, तो व्लॉग की एडिटिंग शूट नहीं हुई हुई थी। तो दोस्तों, आप लोग को मेरी आवाज़ भारी लग रही होगी, लेकिन वो जुकाम सा हुआ मेरा, तो फिर मैंने कुछ सिनेमैटिक फुटेज लिया था, कैमरे में पड़े हुए थे। तो अब दोस्तों, कैमरे में से मेमोरी कार्ड निकाल लेते हैं। ये दोस्तों, मेमोरी कार्ड हमने निकाल लिया, अब इसको कंप्यूटर पे लगा के और इससे डाटा कलेक्ट करेंगे और व्लॉग एडिट करेंगे। तो दोस्तों, आज का व्लॉग बस इधर तक ही था। अगर आप लोगों को दोस्तों हमारा ये व्लॉग पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेम्बर के साथ। तब तक के लिए अपने खोज जुनेद मुगल को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। मिलता हूँ आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।